फ्रेंड्स, आज मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, जो रेड सॉस से बनाऊंगी और व्हाइट सॉस से बनाऊंगी, जिसके लिए मैं 2 कटोरी के लगभग ये मैक्रोनी ली हूँ। तो अभी ये पानी बिल्कुल उबल जाएगा, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी। पानी उबल गया है, अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा रिफाइंड डाल रही हूँ, 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच। इसे अब बॉयल होने देती हूँ पकने तक। ये हमारा मैक्रोनी पक चुका है, इसे आप चेक भी कर सकती हैं। ये देखिए 5 मिनट में लगभग हो गया है। अब इसे मैं गैस बंद कर देती हूँ और निकाल लेती हूँ। अगर जैसे आपको तुरंत नहीं बनाना हो तो इसे आप ना थोड़ा पानी से, नॉर्मल पानी से आप इसे थोड़ा पानी डाल करके धो लें, उसके बाद रखें तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप इसको कितने देर के बाद ही बनाएं तो ये चिपकेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग ही रहेगा। ये कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, 1 छोटा सा प्याज है, 1 गाजर है और 1 शिमला मिर्च। मैं अभी रेड सॉस और व्हाइट सॉस दोनों बनाऊंगी, इसलिए सब्जी मैं एक साथ कर रही हूँ। व्हाइट सॉस के लिए सिर्फ अलग से उसमें व्हाइट सॉस ऐड करेंगे, सब्जी एक साथ फ्राई कर लेते हैं। ये व्हाइट सॉस बना रही हूँ जिसमें मैं गार्लिक डाल रही हूँ, आपको पसंद हो तो डालें नहीं तो नहीं डालें। और इसमें गार्लिक डाल रहे हैं। अब यही सब्जी मैं उसमें थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, एक साथ बन रहा है। इसमें मैं तो व्हाइट सॉस का बना रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा इसमें डालूंगी। और इसमें रेड सॉस से बना रही हूँ, जो सॉस मैं घर में खुद बनाई हूँ। इसमें व्हाइट सॉस डाल रही हूँ। इसमें अब रेड सॉस डाल रही हूँ। देखिए ये भी हमारा घर का बना हुआ है। अभी मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए नमक तो पहले भी डाल दिए थे, फिर भी हल्का डाल रही हूँ। इसमें भी हल्का ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, इसमें भी थोड़ा चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर हल्का, अब ये चीज़ है, ये हमारा स्प्रेड चीज़ है, इसको मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ है इसलिए थोड़ा जम गया है। ये हमारा मैक्रोनी तैयार हो गया है, व्हाइट सॉस मैक्रोनी, रेड सॉस मैक्रोनी विथ स्प्रेड चीज़ के साथ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ।